3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कोल्ड कॉफी। हिना खान को सिर्फ 36 साल की उम्र में कैंसर हो गया है। हिना खान की अगर बात की जाए तो वे एक जानी मानी एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं। बिग बॉस के अलावा कई रियलिटी शोज में भी हिस्सा ले चुके हैं। वे एक बहुत ही स्ट्रांग गर्ल है, लेकिन इस टाइम वह बहुत परेशानी में है। इसलिए हिना खान के फैंस उनके लिए हर वक्त दुआ कर रहे हैं। हिना खान के फादर की डेथ के बाद बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी तरह से अपने आप को रिकवर किया और वो दोबारा अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। हिना खान ने अपना नाम कमाया था सीरियल अक्षरा के नाम से। उसके बाद हिना खान की फैन फॉलोइंग में 4 चांद लग गए। इसी ड्रामे में सीरियल के प्रोड्यूसर रॉकी जायसवाल, उनके साथ हिना खान की दोस्ती हुई और ये आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप में बदल गई और ये दोनों 10 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हिना खान कभी भी बाकी सेलिब्रिटीज की तरह रिलेशनशिप को लोगों से नहीं छुपाती थी। हिना खान अपनी हर बात अपने फैंस के साथ में शेयर करती थी। हिना खान का ये मानना है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी फैंस की वजह से हूँ। और जब हिना खान ने अपने कैंसर डायग्नोस होने के बारे में बताया, उनके फैंस के लिए हिना खान को लेकर चिंता को देखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हिना खान के फैंस हिना खान को कितना प्यार करते हैं। हिना खान को कैंसर ने तब अपनी चपेट में लिया जब हिना खान अपना घर बसाने के बारे में सोच रही थी। हिना खान और रॉकी जायसवाल अपने आने वाले वक्त में शादी करने वाले थे, लेकिन शायद हिना खान की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हिना खान को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है। हिना खान के कैंसर के बाद दोनों की शादी कैंसिल हो गई। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।